एक तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को, सस्पेंड करनी चाहिए, इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज के बेंच से करनी चाहिए। कल एक मिनट के लिए भी मौन नहीं रखा गया, ये संवेदनहीनता की नेताओं की प्रकाष्ठा है कि नहीं? एक सांसद मरते हैं तो आप मौन रखते हैं, लगभग 150 से ऊपर लोग मर चुके हैं, क्या वो इंसान नहीं थे? यदि कोई पैसा वाला और बड़ा उद्योगपति दो मर जाए तो आप 2 मिनट में मौन रख देंगे? कोई लॉयर मरते हैं तो कोर्ट बंद हो जाता है, लेकिन 150 आदमी, वो भी एक नकली बाबा के चलते गाड़ी के टायर का धूल छूने के कारण, और वो बाबा जिस पर बलात्कार के केस हों, नौकरी छोड़कर के लोगों को अंधविश्वास के रास्ते ले गए हों, ये तो नेता लोग ही गणेश परिक्रमा बाबा लोगों का करते हैं, राम रहीम को निकाल करके वोट लीजिएगा, उसकी गणेश परिक्रमा करिएगा। तो आम लोगों को लगता है कि जीवन यही है, तो जब तक इन अंधविश्वास आडंबर कर्म कांड को नहीं रोका जाएगा ना, तो गरीबों के भीतर चमत्कार को भगवान के रूप में मानते रहेंगे। तो ऐसे चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसे बाबाओं को कोई भी तवज्जो नहीं मिलना चाहिए और उसको जेल में बंद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उन बाबाओं को जेल में बंद करें, वो कहाँ से, ये बाबा हैं कौन, कहाँ से आए? ये अपने को शिव कहते हैं कि हम भोला बाबा हैं, तो अब भोला बाबा भी आ गए? तो मेरा तो साफ है, इंक्वायरी अविलंब सस्पेंड हो, जो भी SDO SDM वहाँ के हों, कम से कम 5-5 लाख 10-10 लाख की मुआवजा, औपचारिक मुआवजा नहीं। क्या घोषणा किए हैं मुझे नहीं पता, औपचारिक घोषणा नहीं, राजनीतिक घोषणा नहीं, और सच सामने आना चाहिए और UP गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए एक बात समझिए ना, वो तो दिख रहा है अंधविश्वास आडंबर, गाड़ी जाने के बाद उनके धूल के लिए जिस तरीके से एक दूसरे पर लोग गिरते गए और भीड़ के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी और ना ही कोई सिस्टम था, तो इसमें साजिश तो हो ही नहीं सकती। कंप्लीट रूप से सिस्टम का फेल्योर है, गवर्नमेंट का फेल्योर है, और गवर्नमेंट अपने गलती को छुपाने के लिए यदि इंक्वायरी के साथ दूसरों के माथे किसी चीज़ को चिपका दे तो वो गलत बात है। एक गवर्नमेंट कंप्लीट रूप से इसमें फेल्योर है, और गवर्नमेंट को इसका की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इंक्वायरी हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा करनी चाहिए। अगर PM की स्पीच की बात करें जो सदन में, तो उस पे जो उनका कहना था कि बालक बुद्धि है, तो देखिए एक बात समझिए, PM कल फ्रस्ट्रेशन में थे, और फ्रस्ट्रेशन का बयान सही नहीं है, डरे हुए लग रहे थे, जैसे राजपाल यादव का पिक्चर देखे, कौन पिक्चर का नाम हम भूल रहे हैं, कि 1000 बार कांग्रेस और 400 बार राहुल गांधी, यह क्या था? अपनी बात करते ना PM, परजीवी तो आप नीतीश जी को गाली दे के लाए, मांझी को लाए, कुशवाहा को लाए, चिराग जी का घर तोड़े, दल तोड़े, मंत्रिमंडल से हटाए, फिर उसको लाए, उनके भाई को निकाले, राजभर जो आपको सबसे ज़्यादा गाली दिया उसको लाए,
पटेल को लाए, निषाद को लाए, परजीवी तो आप बहुत बड़े परजीवी हो गए। आपका गठबंधन नहीं होता तो आप सोचिए कि क्या था। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भगवान का नुमाइश, तो भगवान का नुमाइश तो शंकराचार्य ने आपको कह दिया है कि नुमाइश आपने की अयोध्या मंदिर को भी इस करने में, और एक बार भी अयोध्या का जिक्र नहीं किया आप, क्योंकि सब जगह से आप हारे। भगवान कहाँ माफ किया आप। और कांग्रेस को कह रहे हैं इतनी सीट आई, कांग्रेस लड़ा कितना और आप कितना लड़े, और आप सत्ता में हैं, आप 500 700 450 की बात करते थे। कांग्रेस तो गठबंधन में सारी सीटें दी, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को नहीं जानते हैं। 10,000 किलोमीटर बालक बुद्धि ने आवाज नहीं बनी, धूप पानी संघर्ष, करोड़ों करोड़ लोग, ये आज के इतिहास में शायद गांधी के बाद ये संघर्ष करने की क्षमता, कुर्सी छोड़ के मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी, उनकी मां ने पहले कुर्सी छोड़ी, 3 बार नहीं हारे, उनके नेतृत्व में पहले भी बहुत कुछ हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी जी से इतना डर क्यों और इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों। चंद्रा बाबू नायडू को आप जेल भेजे थे ना, और नीतीश कुमार को आप गाली दिए थे ना, राजभर आपको पानी पी पी गाली देता था ना, और अजीत पवार को आप लाए ना, बारे बा सब काम आप ही किए, झूठ नोटबंदी जीएसटी से लेकर काला धन से लेकर, आप 15 लाख रुपया से लेकर जुमला तो आप ही बोलते हैं ये जुमला था, तो आप अंदाजा कीजिए क्या था। मैं सीधा जानता हूं, हर बात में तो आप ही कह रहे हैं, आयुष्मान में, जनधन योजना में, एमएसपी में, अग्निवीर में, महंगाई में, 160 रुपया दाल थाली में कहीं नहीं, दलित गरीबों के पास कोई विकास योजना नहीं, मनरेगा को आप गाली देते थे, आप तटस्थ रखे, ओडीएफ नहीं, तो सारी बात आप ही बोलते हैं। और पानी पी पी करके 2.5 घंटा में आपने देश को क्या दिया, क्या बोला, और हिंदू हिंदू सनातन हिंदू को इस देश समझती है क्या, देश समझती तो ये दूसरे के विचारों को, विवेकानंद ने दूसरों के सम्मान की बात की कि हिंदू का मतलब, सनातन हिंदू का मतलब है दूसरे धर्म दूसरों के विचारे की इज्जत करना, हिंदू सहनशीलता का मतलब है, प्रेम का मतलब है, हिंदू नफरत का मतलब नहीं है, दूसरे जाति धर्म को गाली देना नहीं है, दूसरे के अधिकार को खुद के अधिकार से ज़्यादा सम्मान देना, और दूसरों के आंतरिक खुशियों को ढूंढना, वो है सनातनी हिंदू। हिंदू का मतलब 24 घंटा नफरत नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने परसों इनको 2 बार खड़ा कर दिया, और पूरे मंत्रिमंडल को पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में खड़ा होना पड़ गया। तो राहुल गांधी जी ने मजबूर कर दिया ना राहुल राहुल करने पे, तो वो तो उसकी सक्सेस है, और आज वो चर्चा का विषय है, देश इस पर चर्चा कर रहा है, युवा चर्चा कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी चर्चा कर रहा है। हर लोग कह रहे हैं कि मुद्दों की बात, मेरी बात क्यों नहीं होती है, हम हैशटैग नीट की बात किए तो ज्ञान देने लगे, हम विशेष राज की बात किए तो ज्ञान देने लगे, हम विशेष पैकेज और विशेष राज, अग्निवीर, सहारा इंडिया का जो पैसा बका है इसकी बात किए तो मैक बंद कर दिया गया। तो सहमति और सहमति रहेगा, सगे भाई बहन बाप बेटे के बीच भी विचारों की सम रहती है, इसका मतलब क्या रिश्ता खत्म हो जाता है, मतभेद तो रहेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए, तो ये तानाशाही से अब नहीं चलेगा। आप जितना कह लीजिए कि संविधान की रक्षा के लिए करिए ना कार्रवाई, कौन डरने यहाँ बैठा हुआ है।
कोई डर नहीं आपसे नहीं डरेगा। इसलिए कल का जो बयान था वो फ्रस्ट्रेशन का था, कॉन्फिडेंट नहीं थे, गुस्सा था, अहंकार था, ईर्ष्या थी और खुद पर उनको तरस आ रहा था। दया के पात्र कल वो बन रहे थे। मैं इतना ही जानता हूं, कल का स्पीच नेशन के लिए नहीं था, आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं था। कल का स्पीच एक अपराजित व्यक्ति का था जो फ्रस्ट्रेशन दिखा।